एवरीवन, ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। इसमें क्या है? इसमें है सब्जी, इसमें पूरी है। चलो खाते हैं। पहले ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब होते हैं रेडी। ये मैं पहले से ही सब कुछ पैक करके लाई थी, भरोसा नहीं है होटल में कुछ मिले ना मिले। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। चलो फिर पहले नहाते हैं, फिर रेडी होते हैं। तो अभी बज गए हैं 10 और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, सामान सब रख चुके हैं और अभी जयपुर से हम निकल रहे हैं उदयपुर। तो मैप में दिखा रहा है कि जयपुर से उदयपुर 413 किलोमीटर है, जिसमें 6.5 घंटे लगने वाले हैं। इस हिसाब से हम 4:50 तक पहुँचेंगे, पर हम बीच में रुकेंगे भी खाने पीने के लिए। तो अब देखते हैं हम एग्जैक्ट कितने टाइम तक पहुंचते हैं। तो चलो चलते हैं। अब जयपुर का ट्रैफिक तो आप लोगों ने देख ही लिया था और ये है उदयपुर हाईवे का ट्रैफिक। मतलब आधे घंटे से यहाँ खड़े हुए हम, समझ नहीं आ रहा किस बात का ट्रैफिक है। आगे जाके देखते हैं। तो ये जाम था इस फ्लाईओवर का, क्योंकि रोड आगे जाके पतला हो गया है और इस वजह से ही पूरा ट्रैफिक लग रखा था। तो अभी हम रुके हैं बीच में फ्रूट्स खाने के लिए और हमने लिए अमरूद 80 रुपये किलो। गाड़ी देख के इनके प्राइस ही बढ़ जाते हैं। तो अभी चाट बनाएंगे हम, फ्रूट चाट। हमारे अमरूद और मैं घर से पहले से ही पैक करके लेके आई थी पहाड़ी नमक। मैंने काट दिया अमरूद, इसमें डालूंगी थोड़ा नमक, पहाड़ी नमक। बहुत ही फ्रेश, बहुत ही टेस्टी। और ये नमक भी स्पेशल है ना, इसमें जीरा, अजवाइन, हरी मिर्च पीस के, लहसुन, काला नमक, लाल मिर्च, सब कुछ है। बहुत टेस्टी लग रहा है, मजा आ गया। रिजर्व लग गई है और टोटल हम आ गए हैं 558 किलोमीटर, जिसमें अभी उदयपुर बस 210 किलोमीटर बच रहा है। तो टोटल हमें एवरेज इसने दिए है 11 की एवरेज दी है। और ये रहा पेट्रोल पंप, पेट्रोल भर, पहले डीजल भराते हैं। सॉरी, तो अब हम डीजल भरा रहे हैं और दिल्ली से यहाँ 4 रुपये महंगा है, 94 है यहाँ पे, दिल्ली में 90 है। चलो देखते हैं कन्याकुमारी तक कितनी टंकियाँ लगती है हमारी, टोटल कितना डीजल लगता है, क्या खर्चा बैठता है वो बताऊंगी मैं आपको लास्ट वीडियो में। अभी पहले उदयपुर पहुँचते हैं, 210 किलोमीटर है और टाइम देखते हैं कितना लगता है। तो डीजल फुल हो गया हमारा 3906 में, जिसमें 41.51 लीटर डीजल आया है। तो हम पहुंच गए हैं उदयपुर, ये रहा द कहलूर। आज हम स्टे करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा रूम और आज हम यहाँ स्टे करने वाले हैं। ये छोटी सी अलमीरा और सबसे ज़रूरी है वॉशरूम देखना, सही है छोटा सा। तो इस रूम की सबसे बढ़िया बात ये है कि इसका थीम बहुत अच्छा है, वाइट, और दूसरा है ये सनसेट। तो ये था ब्यूटीफुल सनसेट, वो भी हमारे रूम की विंडो से। फ्रेशन अप होते हैं और जल्दी से रेडी होते हैं, क्योंकि आज हम उदयपुर की लेक घूमेंगे और लोकल मार्केट्स भी चेकआउट करेंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम जा रहे हैं उदयपुर की लेक देखने के लिए, जो कि यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही दूर है।
तो उसमें हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम ऑटो करेंगे क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो चलो चलते हैं। तो हम ढूंढ रहे हैं ऑटो, और ऑटो तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। हमें जाना है अभी फतेह सागर लेक, और वहाँ जाने के लिए हम ऑटो ही बेस्ट है। होटल वालों ने बोला गाड़ी गलती से भी मत ले जाना, बहुत भीड़ रहेगी वहाँ पे। तो फाइनली हमें मिल गया है ऑटो जो हमें 60 रुपये में फतेह सागर लेक छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो बस हम पहुँच गए हैं वहाँ पे, और फिर देखते हैं मार्केट कहाँ से शुरू होती है। वहाँ पे एक मुंबई मार्केट भी लगती है, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं, और यहाँ से सारी शॉप्स शुरू होती है, और बोटिंग का भी है यहाँ पे, बट रात को बंद होगा। कितनी सुंदर लग रही है लेक और ऊपर चांद। तो हम पहुंच गए हैं जुहू चौपाटी, उदयपुर फतेहपुर लेक के सामने ही है ये, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने के। तो अभी हम पहले एक पूरा राउंड मारेंगे, तो वॉक करते करते पहले सारे ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे अपनी। और थैंक गॉड हम यहाँ गाड़ी नहीं लाए, क्योंकि पार्किंग का तो दूर दूर से कोई नामो निशान नहीं है। सबसे पहले खाएंगे स्वीट कॉर्न, जो मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। उसके बाद डिनर भी देखेंगे, यहाँ पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है तो वहीं करेंगे। दिन में इतनी गर्मी और शाम को इतना ठंडा, और लेक के साइड में तो और ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड के साथ साथ भूख भी लग रही है सबको खाता देख के। तो हमारे सामने ये 7 लेक रेस्टोरेंट है, तो बता रहे हैं काफ़ी टेस्टी खाना है यहाँ का, तो चलो ट्राई करते हैं। तो हम आगे हैं 7 लेक्स रेस्टोरेंट, और दिखने में तो बहुत सुंदर है, व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से। अब फूड ट्राई करके देखते हैं कि कितना टेस्टी होगा। तो इन्होंने कैंडल भी जला दी है, और कैंडल लाइट डिनर करेंगे हम यहाँ पे। इसी बात पे पीना तो बनता है पानी। चीयर्स। जब तक खाना नहीं आता तब तक हम इसका कैमरा चेक करते हैं। खांगे मून व्यू अच्छा, ये मून है, और वहाँ क्या है, किला है क्या? पनीर बटर मसाला, पापड़, तवा रोटी, रायता, और मेरा फेवरेट सैलेड। व्यू के साथ साथ खाना भी बहुत टेस्टी था यहाँ पे। तो अब हम कुछ स्ट्रीट फूड में कुछ मीठा खाएंगे, क्योंकि डिनर यहाँ से कर लिया, डेजर्ट तो बाहर का ही खाएंगे। यहाँ मिल रहा है कुल्हड़ दूध, ड्राई फ्रूट कुल्हड़ दूध, फिरनी, रबड़ी, घेवर, सब कुछ। तो मीठे में मैंने अपने लिए लिया ड्राई फ्रूट वाला दूध, जो कि मीठा है और बहुत क्रीमी है, बहुत टेस्टी लग रहा है। मज़ा ही आ गया। अब ऑटो लेते हैं। आते हुए हम आए थे 100 रुपये में, मतलब 60 रुपये बोला था उसने, बट बाद में बोल दिया कि जो मुंबई मार्केट लगती है वहाँ तक के 100 लूँगा। तो अब देखते हैं यहाँ से जाते हुए कितने पैसे लगते हैं। ऑटो ले चुके हैं, और कान में लग रही है बहुत तेज ठंड, और ऑटो हमें मिला 120 रुपये में, 20 रुपये ज़्यादा, बट 10 मिनट का रास्ता है, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। लो हम पहुंच गए हैं द कहलूर। बोरी हमारी राम प्यारी, आज इसको लेके नहीं गए हम। ये लगाएगी, ये है मेरी पिंपल क्रीम, जहाँ जहाँ पिंपल मुझे लग रहा है पैदा हो रहे हैं उनको वहीं पे बिठा देना है, और मुझे पूरे फेस में लगाना पड़ता है, क्योंकि एक नहीं हजारों पिंपल है। Done. Okay, good night. Bye. कल मिलते हैं।